नमस्कार, मुझे फिर से आया हूँ एक नए अपडेट को लेके आप लोगों के सामने। आखिर जाया बच्चन में क्यों पिपला गए, क्यों पिपला गए? आखिर ड्रगियों का सपोर्ट क्यों कर रही है? रवि किशन ने ऐसा तो नहीं कहा कि बॉलीवुड गंदा है, बॉलीवुड में कुछ नशेड़ी गंजेड़ी है। ए भैया, हमारे परमेश्वर राजदीप भैया जैसे एक पत्रकार, महान पत्रकार जो लल्लन टॉप पे आके कहते हैं कि मैंने देखा ना सब कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लूँ, तो मैंने रिया को बुलाया इंटरव्यू के लिए। रिया का एक फ्रेंड जो है मुझे फोन किया कि रिया आपसे बात करना चाहती है, तो मैंने ले लिया इंटरव्यू रिया का। बदले में मुझे सब कह रहे हैं राजदीप दल्ला है, बदले में मुझे सब कह रहे हैं राजदीप बिकाऊ है, बदले में मुझे सब कह रहे हैं राजदीप चमचा है। मेरे साथ ठीक ही है। तो क्या है, तो बात कर रहे थे अभी जो ये सब मैम, ये सर, ये सब लगाना छोड़ो, ये कोई नहीं है, मैम सर कहने के लायक ही नहीं है, ड्रगी माफी। तो अभी जया बच्चन के बारे में बात कर रहा था, तो जया बच्चन मैम जो है ना, ये क्यों पिलपिला गई? वो इसलिए क्योंकि एनसीबी के लिस्ट में जो है हो सकता है, तो उनकी लाडली का भी नाम है भाई श्वेता बच्चन, वो इसलिए पिलपिला गई। थाली में छे पे कौन खाना चाहेगा उस थाली में, जिस थाली में ड्रग और गांजा भरा हो, जया बच्चन में कौन खाना चाहेगा उस थाली में? और यार इनकी एटीट्यूड ना, सर चढ़ के बोल रहे हैं, इनको ना पैसे की गर्मी। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? मोबाइल से क्यों ले रहे हो आप? नहीं नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने, then please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए। These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture anytime without asking that person. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. Very bad. I hate indiscipline. इनकी बदसलूकी, इनकी बदतमीजी, इनको ना अब जगह जगह ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये गलत है और ये गलत का साथ दे रही है। हो सकता है नहीं 100% एनसीबी के लिस्ट में इनकी बेटी का भी नाम है, That's why ये पिलपिला गई और पार्लियामेंट में कुछ भी बोल गई। और उनके सपोर्ट में एक सोनम कपूर है, हाँ, तो मैं कह रहा था वो दादा कपूर के साथ शादी की है और वो कहते कि मैं जया बच्चन जैसी बनो, बनो भैया, कोई नहीं रोकेगा तो मैं उनसे उनके जैसे बनने से बनो, ठीक है बनो। और एक है डॉक्टर दीपिका पादुकोण जो कहती है कि सुशांत अब नॉर्मल था, और इसका एक जो पति है ड्रगी, ये वे भैया ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है नहीं बनता कि हमारे तुम्हारे गांव में ना जो गलियों में कुत्ते रहते हैं खुजली वाले, वो ना दौड़ जाएंगे इनके पीछे, सच बता रहा हूँ। ऐसे कपड़े पहनते हैं ना तो पोछा लगा दो, क्यों पता है यार? क्योंकि पब्लिक मुझे देख, भली गाली दे के देख, लेकिन देख, वो हंस के नहीं देखे, देख के हंसे, लेकिन देख, इनकी एक ही इंटेंशन हो। मैं चलो मानता हूँ अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन नाजायज फायदा तो मत उठाओ, पब्लिक को इतनी झूठिया तो मत बनाओ। क्या आप ही भैया डर गए, क्या आपसे उम्मीद है भैया? फिलहाल तब तक के लिए विदा चाहूंगा और फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे लाइव शेयर करते भैया।